हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 22। इसके अंदर हम देखेंगे रेंडर लाइफ साइकिल मेथड को कि किस तरीके से लाइफ साइकिल के अंदर रेंडर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस की टूल की सीरीज चल रही है ये। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां जाकर आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले रेंडर को। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपका लाइफ साइकिल रेंडर मेथड, तो छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन है, वो इसको रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट, रेंडर इज द टेक्निक दैट कैन रीडायरेक्ट अ पेज विद द हेल्प ऑफ फंक्शन रेंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रेंडर अ फंक्शन वी कैन यूज टू डिफाइन द एचटीएमएल कोड विद इन एचटीएमएल एलिमेंट। इट हेल्प्स टू डिस्प्ले कंटेन व्यू इन द व्यू यूजिंग कंटेन लॉजिक डिफाइंड इन द रेंडर फंक्शन एंड रिटर्न्स द आउटपुट। सिंपल, सबसे पहले ये टेक्निक है रीडायरेक्ट करवाने का विदाउट रिफ्रेश करवा के। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियसली जब हम पीएचपी यूज करते हैं या कोई भी बैकएंड या फ्रंटएंड नॉर्मल एचटीएमएल भी यूज करते हैं, तब हम किसी भी सेकेंडरी पेज पे जाते हैं, जब मल्टी पेज की वेबसाइट होती है तो रिफ्रेश होता है ब्राउजर हमारा। बट जब कभी भी हम रिएक्ट के अंदर बात करते हैं तो वहां पर रिफ्रेश नहीं होता, वहां कंपोनेंट्स आपके रिप्लेस हो जाते हैं डॉम के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रीडायरेक्ट करवाते हैं पहली चीज फंक्शन प्लस यूआई जो हम एचटीएमएल में यूज करने वाले होते हैं वो। That's why इसको re-rendering कहते हैं, बार बार आप render करवा सकते हैं जो भी आपने logic लिखे हैं उसके through। Okay, अब इसका purpose क्यों है? React render HTML to web page by using a function called render। Okay, ये इसका पहला purpose। Second purpose इसका है, the purpose of function is to display specific HTML code inside the specific HTML element। It means कि जो code हम लिख रहे हैं, जो हम particular किसी भी एक element को दिखाना चाहते हैं, वो भी हम इसके through कर सकते हैं। Okay, in the render method we can read props and state and return our JSX code to the root component our app। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैप के बारे में पूरा, जब लाइफ साइकिल का पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको जो मैपिंग दिखाई थी पूरा का पूरा डिस्प्ले कराया था डायग्राम, वहां पे मैंने आपको बताया था प्रॉप्स और जब स्टेट किसी भी कंपोनेंट्स में जाता है तो वो आपका रीरेंडर होता है अगेन। ओके, वही चीज यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर बताने की कोशिश करी है। फोर्थ पॉइंट है आपका यहाँ पे, इन रेंडर मेथड वी कैन नॉट चेंज द स्टेट एंड वी कैन नॉट कॉज साइड इफेक्ट सच एज मेकिंग अ एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। ओके, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और होगी भी तो कैसे होगी वो आपको मैं अभी थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल में बताता हूं। तो ये है आपका बेसिक सा थ्योरी का पार्ट कि आपका रेंडर है क्या, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है अपने इंटरव्यूअर को। अब बात करते हैं कि आप इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए यहां चलते हैं अपने एडिटर पे और आपको एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं। सो गाइस, यहाँ एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे एक फाइल है, आपकी फंक्शन यहाँ पे कंपोनेंट बना हुआ है एप डॉट जेएस के अंदर। इसका आउटपुट यहाँ पे ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम कंसोल देखने वाले। और यहाँ पे जो मैं आपको कंपोनेंट जो रेंडर वाला मेथड है उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक कंपोनेंट चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो क्लास कंपोनेंट के लिए हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लेता हूँ रेंडर मेथड ही कर लेता हूँ और जेएसएक्स लिख देते हैं। ओके, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी, जेएसएस क्या है, कैसे हम चीजें चलाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी सीरीज में पिछली वीडियोस में कवर कर रखा है। ओके, अब यहाँ पे क्लास कंपोनेंट का अगर शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊं, मैंने फंक्शन का तो शॉर्ट फॉर्म बता रखा है, तो आरसीसी आपको लिखना है, एंटर मारना है, आपका यहाँ पे क्लास कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे लेते हैं आपका एच टू। ओके, और रेंडर लिखते हैं रेंडर मेथड। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी के साथ में एक चीज और करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेंडर के अंदर जो ये रेंडर मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यही जो क्लास के अंदर रेंडर होता है, इसी के आज हम देखने वाले हैं एग्जांपल में। इसी का पार्ट अभी थ्योरी में देखा हमने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एग्जाम्पल वन सपोज, और यहाँ पे मैं कंसोल लिखता हूँ पहले। ठीक है, इसमें जो कंसोल होगा वो होगा हमारा रेंडर। जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्टर सिखाया पिछली वीडियोस में, वो मैं इस वीडियो में आपको रेंडर बता रहा हूँ। एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे जिससे कि सारा का सारा लाइफ साइकिल मेथड आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने कंपोनेंट बना लिया, इसमें हमने एक कंसोल रख लिया, एक एच टू है हमारे पास में। अब इसे इंपोर्ट करवाना होगा हमें इस वाली फाइल पे एप डॉट जेएस पे। तो यहाँ पे इंपोर्ट कराने का सिंपल सा मेथड है आपका रेंडर मेथड। ये देखिए हमारी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। ओके, यहाँ पे आ गई हमारी फाइल। अब इसके बाद सेव करेंगे इसे, सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे रेंडर मेथड यहाँ पे आ चुका है आपका। एंड साथ ही में जब हमारा रेंडर जो हमने लिखा है उसके साथ में कंसोल भी लगाया था उस फाइल के अंदर, तो आप देखेंगे आपका कंसोल भी आ रहा है। तो हमारा सबसे पहले आपका रेंडर क्यों यूज होता है, रेंडरिंग करवाने के लिए किसी भी कंपोनेंट के, आपके एचटीएमएल के कोड को या एचटीएमएल के एलिमेंट को, पहली चीज। तो जब कभी भी आप एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं या ये न्यू फाइल बनाते हैं तो उस टाइम पे भी सबसे पहले आपका कंपोनेंट रेंडर होता है। पहली बार तो आपका रेंडर कंपोनेंट हो गया तो यहाँ पे आपको कंसोल दिख भी रहा होगा।
अब सेकंड क्या है आपका कि सेकंड में आप कैसे करेंगे, सेकंड में मानिए मेरे को यहां पे प्रॉप्स से कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है। अब प्रॉप्स कैसे यूज करेंगे हम, तो मैं यहां पे सबसे पहले लूंगा आपका इस चीज को यूज स्टेट के साथ में, ठीक है। यूज स्टेट के साथ में प्रॉप्स में बनाऊंगा और मैं यहां कर्ली ब्रेसेस लूंगा, ये फंक्शन कंपोनेंट है, ओके। दैट्स व्हाई मैं ये चीजें, इसलिए मैंने दोनों को आपको मिक्स करके बता रहा हूं चीजें। यहां पे मैं नेम ले लूंगा और सेट नेम कर लेंगे इसे, यूज स्टेट होगा, इनिशियल वैल्यू हमें देनी होगी। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस कुछ क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर करी हैं, अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी मैं क्या पढ़ा रहा था वहां पे, ठीक। अब यहां पे आपका क्या है कि यूज स्टेट हमने ले लिया, अब इसके बाद में हमें इस चीज को अपडेट करवाना होगा कि वो कंपोनेंट में जैसी प्रॉप्स जाएगा ना, जो स्टेट जाएगा, ये दोनों मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले प्रॉप्स देख रहे हैं हम कि प्रॉप्स से कैसे अपडेट होगा वो कंपोनेंट। तो यहां पे हमें लेना होगा सबसे पहले नेम, ओके, और कर्ली ब्रेसेस नेम आ गया आपका यहां पे। अब ये अपडेट कैसे करवाओगे आप, ठीक है। तो अपडेट के केस में मैं यहां पे बनाना होगा हमें एक बटन, तो मैं एग्जांपल टू कर देता हूं इसको और एक बटन बनाता हूं मैं यहां पे, ठीक है। इस बटन का नाम रखते हैं हम आपका अपडेट नेम, ठीक है। ये हो गया मेरा बटन। अब इस बटन पे ऑन क्लिक बनाना होगा जिसके थ्रू हम इस चीज को अपडेट करवाएंगे। कर्ली ब्रेसेस लेंगे, एरो फंक्शन लेंगे और सेट नेम जो हमारे पास है उसे कॉल करवाएंगे और इसमें डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी आपके भास्कर गुप्ता। पहली इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारी, कोड फॉर एजुकेशन, ओके, ये चीज होगी हमारे पास में। अब इसके बाद में यहां पे अगर मैं इसे करूं सेव, ओके, एंड सेव करने के बाद में यहां पे अगर मैं चलूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सेकंड टाइम रेंडर हो चुका है अभी, मैंने यहां पे रिफ्रेश नहीं करा आपका, ये अपने आप ही कंपोनेंट रिफ्रेश हुआ है और यहां पे आपको कंसोल में दिख रहा होगा टू टाइम्स रेंडर। इट मींस कि जब पहले बार हमने कंपोनेंट बनाया तब, और जब जैसे ही हमने यहां पे इस कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स डाला नेम, तो ये आपका रेंडर हो गया यहां पे। अभी हमने यहां पे करा भी नहीं है कुछ। अब मैं जैसे ही यहां पे आपका अपडेट नेम पे क्लिक करूंगा ना, देखिए जैसे ही मैंने अपडेट नेम पे क्लिक करा एक बार और कंसोल आ गया। आप इसके बाद अब क्लिक करूंगा मैं, नहीं चलेगा ये, क्योंकि हमने यहां पे एक ही वैल्यू भेजी है। अगर आप कोई फंक्शन इंक्रीमेंट वाला, जैसे काउंट मैंने आपको सिखाया मल्टीपल टाइम, अगर वो यहां पे मेथड भेजेंगे प्रॉप्स के साथ में, तो ये कंपोनेंट आपका अगेन रीरेंडरिंग होता रहेगा बार बार, ओके, ये कॉन्सेप्ट है। अब जो हम डेटा यहां से आपका प्रॉप्स के थ्रू भेज रहे हैं वो आप वहां पे कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका ये कंपोनेंट है। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, या तो आप इसको डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, या तो आप यहां पे डायरेक्ट दिस डॉट प्रॉप्स लिख देंगे, ठीक है। मैं इसी कंसोल में लिख दे रहा हूं पहले नंबर वाले पे, करूंगा मैं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद अब मैं आपको कंसोल में यहां पे दिखाऊं, तो देखिए एक बार मैं यहां से क्लीन कर देता हूं और दोबारा रीरेंडर करते हैं। देखिए जैसे ही रीरेंडर होगा आपका, रेंडर होने में सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे आपका रीरेंडर हुआ है। रीरेंडर में आपको क्या मिल रहा है, नेम आपको कोड फॉर एजुकेशन मिल रहा है। अब मैं अगर यहां पे बटन पे क्लिक करूं, यहां पे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो आपको आप वैल्यू चेंज होती हुई दिख भी रही होगी रेंडर मेथड के अंदर, आपका वैल्यू क्या आ रही है, भास्कर गुप्ता, ओके। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप, जितनी बार भी आपका कंपोनेंट में प्रॉप्स पहुंचेगा, न्यू वैल्यू आएगी उसके पास में, वो उतनी बार रीरेंडर करेगा यहां पे। अब ये चेक कैसे होगा, तो चेक करने के लिए हम यहां पे इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपने भेजा होगा वो ऐसे ही लिखना होगा आपको, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में देखिए भास्कर गुप्ता अभी आपको दिख रहा है, बट मैं ये नहीं चाहता, मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूं पहले इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू कोड फॉर एजुकेशन आई है, वही वैल्यू हमें यहां पर मिल भी रही है। अब जैसे ही मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे आपको भास्कर गुप्ता दिख रही है वैल्यू, और यही वैल्यू आपकी इनिशियल इंस्टेंट, ओके, चेंज हो रहा है आपका यूआई पे जो डॉम है हमारा वहां पे, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट कि प्रॉप्स में कैसे चेंज होता है। यही चीज आपको अब किससे करनी है, स्टेट से करनी है, क्लास कंपोनेंट के अंदर ही स्टेट से करनी है, जो कंस्ट्रक्टर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया उसके साथ में। तो कैसे है पॉसिबल वो, तो मैं क्या करता हूं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूं, ओके, और यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि ये आपका एग्जांपल टू था, ठीक है। अब जो मैं यहां पे बताने वाला हूं आपको वो बताऊंगा थ्री के अंदर कि किस तरीके से आप ये चीज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, ओके, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, इसको भी कमेंट कर दिया मैंने, और इसकी भी जरूरत नहीं है अभी हमें, ठीक है। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में अभी यहां पर आ गए हम रेंडर मेथड वाली फाइल पे, ठीक है। इस फाइल पे आने के बाद में इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, और इसको कर देंगे रिमूव। इतनी चीज करी, करूंगा मैं पहले सेव, एंड सेव करके आउटपुट देखेंगे। देखिए पहले आपको यहाँ पे कंसोल में आपको दिखाऊं तो देखिए ना कंसोल आ रहा है आपका, बस आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जो एच टू के अंदर हम ले रहे हैं। अब आप करेंगे कैसे इन चीजों को, देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एग्जाम्पल थ्री लेना होगा, ठीक है। टू तो मैंने टू और वन का ऊपर ही कर दिया, और कंस्ट्रक्टर लेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि इसी के साथ आपको मैं एग्जांपल देने वाला हूं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और देन इसके अंदर
हमें सुपर कॉल करना होगा, जैसे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, बिना इसके हम दिस यूज नहीं कर सकते, स्टेट नहीं चला सकते। स्टेट लेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू ईमेल ले लेते हैं, मानिए ईमेल है मेरे पास, मैं क्योंकि नाम तो आपने देख लिया और मैं यहाँ पे भास्कर@gmail.com है, मानिए मेरे पास में वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास में है पहले से ही। अब कैसे होंगी चीजें, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं ओके, ये हमें यहाँ डिक्लेयर नहीं करना, यहाँ से बाहर निकालेंगे इसे, हमने रेंडर के अंदर कर दिया, ये रेंडर से बाहर होता है डिक्लेयर, ठीक है, ये देखिए रेंडर से बाहर डिक्लेयर कर दिया हमने। अब इसके बाद में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे आपको कंसोल लगाना होगा रेंडर के अंदर, ओके, बाहर आपको डिक्लेयर करना है और अंदर आपको यहाँ पे उसको यहाँ पे कंसोल करवा के अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। या देखिए मैं यहाँ पे मेथड लिख ले रहा हूँ, अगेन कॉमा लगाते हैं, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, ये वैल्यू आपको यहाँ पे कंसोल में मिलेगी। और यही चीज आपको अगर प्रिंट करवानी होगी, ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए आपको यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। बट अगर मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए अगेन यहाँ पे आपका क्या हुआ है कि आपका रेंडर हुआ है सेव करने के तुरंत बाद, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, भास्कर गुप्ता@, ठीक है। अब ये चीज तो आपको मिल गई, बट यही चीज आपको स्टेट चेंज होगी जैसी ना, तब आपको यहाँ पे आपका रेंडर होगा क्या, होगा। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ओके एक काम करते हैं, दिस डॉट ये वाली लाइन जो है इसको कर देते हैं कॉपी, कॉपी करते हैं, कमेंट आउट कमेंट करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 3 का है आपका ये, ठीक है, क्योंकि मैं ये इसलिए कर देता हूं आपका एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 जो भी आपको सोर्स कोड होता है जो गिट से आप लेते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो वहां पे, ओके। अब यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा आपको वैल्यू, तो मैं स्टेट डॉट नेम, ये पहले प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा, एंड यहां पे हमें बटन भी चाहिए, तो मैं यहां पे बटन बना लेता हूं और इस बटन पे करते हैं आपका अपडेट, अपडेट आएगा आपका है आप, ओके आप स्टेट नहीं आऊंगा, स्टेट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या बटन। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे क्लिक ले लेते हैं, क्लिक बनवाना है हमें, कर्ली ब्रेसिस, ठीक है, एरो फंक्शन सेट, स्टेट लेना होगा आपको क्योंकि स्टेट चेंज करेंगे हम इसके अंदर कर्ली ब्रेसिस, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमारे पास में क्या वैल्यू मिल रही है, ईमेल, और ईमेल की क्या वैल्यू अभी हमें को मिल रखी है वहां पे, भास्कर गुप्ता। अब मैं चेंज करवाना चाहता हूँ code@ मानिए gmail.com, ये वैल्यू आ जानी चाहिए मेरी आफ्टर क्लिक, ठीक है, इट मीन्स कि रीरेंडर पे हमारे को ये वैल्यू शो होनी चाहिए, कहाँ पे, H2 के अंदर। अभी मैं अगर सेव कर दूं और सेव करने के बाद में यहाँ पे चलूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए एक बार मैं दोबारा यहाँ पे रीलोड करता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, देखिए इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी, भास्कर@gmail.com, ओके ये आपको यहाँ पे मिल रही है और ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई भी है, ओके यहाँ पे आपका प्रिंट हमने, ओके नेम हमने लिख दिया है इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा, यहाँ करेंगे आपका ईमेल, चलेंगे वापस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए भास्कर@gmail.com आपको विजिबल हो भी रहा है। बट अभी हमने क्या बनाया, हमने ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाया सेम कंपोनेंट में, क्लास कंपोनेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर का यूज करके, अब स्टेट चेंज हो जानी चाहिए, तो जैसे ही हम करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, देखिए दोबारा आपको यहाँ पे रीरेंडर होते हुए दिख रहा होगा, नई वैल्यू क्या मिल रही है हमें कंसोल के अंदर, code@gmail.com, और वही वैल्यू हमें यहाँ पे UI में विजिबल भी हो रही है, इट मीन्स की कंपोनेंट रीरेंडर अगेन हो रहा है। तो देखिए इनिशियल लेवल पे आपका कंपोनेंट जब क्रिएट होता है तब भी आपका रीरेंडर होता है, जब आपका प्रॉप्स में कोई नई वैल्यू आती है तब भी रीरेंडर होता है, और जब आपकी कोई स्टेट चेंज होती है उस कंपोनेंट के अंदर तब भी आपका रीरेंडर होता है। तो ये है आपका रेंडर का मेथड की गाइस, कि रेंडर कैसे वर्क करता है, दैट्स वाई मैं आपको क्लास कंपोनेंट के साथ में ये चीजें डिटेल में बता रहा हूं, जब फंक्शन करेंगे फंक्शन के अंदर हुक्स भी करेंगे अच्छे तरीके से, बट ये चीजें भी आपको बेसिक पता होनी चाहिए और इसी तरीके से आप अपने इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में, ओके। तो ये है आपका रेंडर मेथड, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका कंपोनेंट डिड अपडेट को, कि किस तरीके से इस मेथड को यूज करना चाहिए लाइफ साइकिल मेथड के अंदर, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था पहले पार्ट के अंदर, अब हम कवर करेंगे पूरी डिटेल में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक टिल देन बाय गाइस।